और ये भाई साहब पुल की सफाई करते हुए, पुल वैसे ठीक ठाक है, एवरेज है, बढ़िया नहीं कहेंगे इसे, बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी हम नहाने वाले तो है नहीं। बट मुझे यहाँ की एक बात अजीब लगी, इतने सारे रिसोर्ट में मैं जाके आया हूँ, इस रिसोर्ट में कुछ ऐसा रूल्स है कि आपको नहाने के लिए अलग से पास लेना पड़ता है। टाइम पास चल रहा है, ले वा काच वा के दे। है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा फर्स्ट डे है भुज के लिए और ये रिसोर्ट है, अच्छा है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। कल यहाँ आने में हमें थोड़ा लेट हो गया था रात को, तो हम किसी लोकल जगह पे सो गए थे, बट यहाँ सुबह 10 बजे चेक इन होता है, तो अभी हम आज सुबह यहाँ चेक इन किया। अभी हम यहाँ से काला डूंगर और सफ़ेद रण देखने के लिए जाएंगे, बस थोड़ी देर में निकलेंगे। और यहाँ से सफ़ेद रण और काला डूंगर वो दोनों पास पास ही है और वहाँ का डिस्टेंस 90 किलोमीटर है वन साइड। बाकी प्रॉपर्टी देखो बढ़िया है एकदम, रूम्स के अंदर ठीक ठाक है, बट आउटसाइड बहुत अच्छा है इसका। यहाँ स्विमिंग पूल भी है और वो कैंटीन है। और इस रास्ते पे पहले सफ़ेद रण आएगा वाइट डिजर्ट और उसके बाद काला डूंगर, तो पहले हम जा रहे हैं सफ़ेद रण को। बाकी नज़ारे देखो यहाँ के, क्लाउड और रण। यहाँ पे पहाड़ नहीं मिलेंगे बट हर जगह आप जहाँ भी देखो वहाँ पे आकाश और ज़मीन दो ही चीज़ मिलेगी। बाकी ये स्विफ्ट गाड़ी भी मेरे साथ ही है बट ज़्यादातर मेरे पीछे रहती है, इसीलिए वीडियो में नहीं आती। अगर आप यहाँ घूमने आओ तो भुज में ही स्टे करना, क्योंकि भुज में आपको हर तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी, यानी कि अच्छा खाना पीना सब। और हम सफ़ेद रण में पहुंच गए, वाइट डिजर्ट जिसे कहते हो आप, और यहाँ चाय नाश्ता करने के लिए रुके थे। ये सामने आप जो देख रहे हो ये टेंट सिटी है, बट दिसंबर के बाद मार्च तक वो
रहती है। अभी अभी सेटअप वहाँ नहीं किया गया। वाइट डिजर्ट जाने से पहले यहाँ पे एक BSF की चेक पोस्ट आती है, वहाँ पे आपको एंट्री करवाना जरूरी है। देखो ये यहाँ का बस स्टैंड है बट खाली पड़ा हुआ है। ये दिसंबर में यहाँ पे भीड़ रहती है, बाकी तो अभी ऑफ सीजन है, यहाँ पे कोई नहीं होता। देखो ये भी डिजर्ट है बट वाइट डिजर्ट थोड़ा अंदर है। और फाइनली आप देख सकते हो मैं वाइट डिजर्ट्स के बीच से गुजर रहा हूँ। यहाँ आने का रास्ता इतना सुनसान है कि ऐसा लगता है मुझे कि 200-300 साल पहले मैं वहाँ से निकला था भूज से, बट रास्ता अच्छा है। तो ये ऐसे कुछ वाइट डिजर्ट के नज़ारे। BSF की थोड़ी आप फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद ही अंदर आ सकते हैं। बाकी क्या, गर्मी पड़ रही है यहाँ भाई साहब, ऐसा लग रहा है कोई आँख के गोले फेंक रहा है। और धूप की वजह से इतना रिफ्लेक्शन हो रहा है वाइट डिजर्ट में कि आँख भी नहीं खुल रही है हमारी। पानी छेक लगी ना क्यों निगरा ऊंटना पगला पप्पा। संडे के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ है, बाकी इस सीज़न में यानी कि इस मंथ में यहाँ कोई नहीं आता। दोनों साइड डिजर्ट है और बीच में ये रैंप बनाया हुआ है, रोड है यहाँ तक। और इस टावर के ऊपर चढ़ के आप पाकिस्तान भी देख सकते हो यहाँ से, और पूरा डिजर्ट 360 में दिखेगा अच्छी तरह से। मैं अभी आपको नज़ारे दिखाऊँगा ऊपर चढ़ के। ये देखो ये पूरा वाइट डिजर्ट है। अंदर भी जा सकते हैं बट अभी पानी आया हुआ है इसलिए अंदर नहीं जा सकते, वरना कैमल राइड और वो सब के मज़े आप यहाँ पे ले सकते हो। थ्री सिक्सटी व्यू चढ़ने के लिए ये पूरा टावर चढ़ना पड़ता है। ये सामने पूरा पाकिस्तान है। तू आवतो ही नहीं, परछाव जावे ला खुलती नहीं आंखो वे नहीं आवतो ला ना आवे अमा आटला मा आवतो है आ मारी आंखत नहीं खुलती। नहीं आवतो नहीं आवतो सीरियसली। लास्ट व्यू ऑफ तो बस गाइस ऐसे थे कुछ सफ़ेद रण के नज़ारे। इस वीडियो को लंबा ना करते हुए इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में आपको इससे भी कुछ अलग देखने को मिलेगा, लाइक मैग्नेटिक हिल और काला डूंगर। अभी हम जा रहे काला डूंगर।